नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के जजे कॉलोनी में। साथियों, आरोप है कि इनके घर में 100 से 150 आदमी घुस जाते हैं और उसके बाद में इनके ऊपर हमला करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जानते हैं आप आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या, आप देख सकते हैं ये घर में किस तरीके से खाना बना रहे थे। और इनका आरोप है कि हम खाना बना रहे थे तो कई लोग इनके घर घुस गए और खूब भयंकर तरीके से मारपीट की है। उसके बाद में मैं आपको अगले घर से दिखाता हूँ अगले घर में क्या होता है। दूसरे घर में देखते हैं, यहाँ पर तमाम जजे कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठी हो चुकी है और इनका आरोप है कि हमारे घर में बहुत ही भयंकर तरीके से मार कुटाई की जाती है, किस तरीके से आग लगा दी जाती है। आप देख सकते हैं, मैं घर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। यह मैं आपको बता दूँ, यह इनका कहना है, किस तरीके से आप देख सकते हैं ये कूलर, ये फ्रिज और अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही भयंकर तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? कमलो कौर जी। हाँ जी, क्या पूरी कहानी क्या है बताएं सर जी? हमारे तो पता नहीं, अचानक आए इधर से, आधे इधर से आए, आधे इधर से आए। हम घर में खाना बना रहे थे और आके 150 आदमी थे, आते ही हमला कर दिया एकदम। किसी पे तलवार, किसी पे गंडासी थी, किसी पे कापे थे, किसी पे कुछ था, किसी पे कुछ था। हम तो खाना बनाते आके अंदर सारे घुस गए। हम औरतें थी, कोई हमारा आदमी नहीं था घर पर। आके कोई तलवार चलाना क्योंकि मार लगे, सारा घर का कुछ सामान पड़ा था तोड़ा फोड़ी करके हमारे सारे घर में, कोई बच्चों सारी औरतों को मार मूर के चले गए। कोई आदमी हमारा आदमी नहीं था एक सर जी। नहीं, आपकी गलती क्या है, क्यों मार कर चले गए सर जी? हमसे आगे कहते हैं लड़की दो हमारे को, कोई बुला के लड़कियाँ दे, हमारे पास लड़के है नहीं, हमारे पास लड़कियाँ है नहीं। वो कहते हैं लड़के ले आके दो हमारे को, कोई लड़के ले आके दो या पैसे दो हमारे को। हम यहाँ गुरुद्वारे के आके बैठे हैं, हमारे पास चाय पाने के पैसे नहीं है, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे लिए हैं। हम 2-3 महीने का यहाँ भूखे बैठे पैसे बैठे हैं, हम हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, आपके ऊपर आरोप लगता है, अभी आप घर में वेश्यावृत्ति करवाते हैं और इसके साथ साथ आप घर में लोगों को मिलवाते हैं, इसलिए आपके ऊपर ये हमला किया गया है। शक के आधार पर किया गया है या रंगे हाथ किसी को पकड़ा है? नहीं, कोई नहीं सर जी, देख लो, कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया। आप देख लो ना, हमने खाना बना लिया अंदर, आप देख लो ना, कोई देखो कोई एक गैर आदमी आपको तो हमको हमारी जुत्ती हो, आपका सिर हो, हमारी हमारा सिर हो, आपकी जुत्ती हो, या कोई हमारा कोई घर देखो ये मार के घर में रखो। और हमारा घर में कोई गंदा आदमी, मंदा आदमी, कोई चिट्टा या कोई बेसा बर्ती कोई आदमी हो तो हमको जो मर्जी सजा दे सकते हो। इसके साथ साथ यह भी आरोप लगता है चिट्टा करने का, इस यहाँ पर घरों में चिट्टे की बिक्री होती है और चिट्टा भी लोगों को पिलाया जाता है, यह भी आरोप लगता है। यह नहीं लगता, हमारे पास है नहीं चिट्टा बिट्टा, हमारे पास चिट्टा, हम चिट्टा कहाँ से लेगा? चिट्टा बंद पड़ा है, वो बिट्टू का अंदर पड़ा है, 2 महीना हो गया उसको, हम चिट्टा कहाँ से ले? या टेम्पा डोली गोली जो बैठे होते हैं जो गुरुद्वारे का टेम्पा डोली खा, गोली सब फग्गू पे इतनी गोली टेम्पा डोल सबको गोलियां खिलाता है, फग्गू सबको दारू पी के ठेके पे से हमको। और गुरुद्वारे के आगे बैठते हैं, मीट खाते हैं, दर्शना के घर वो कहते धान की दर्शना है, धान की घर से परसों मीट बनाया है, दारू बियर पी के आए धान की घर से, वो धंधे वाली है उसे तो कहती दर्शन धंधे वाली है, कप्तान है, बिट्टू है, फग्गू है, परदुम है, पिंटू है, और उसका डबडबी है, और बिल्लो है, और बिकट है, और उसकी लड़की एक मंजू है, और एक वो क्या है बिल्ली है। तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा कहीं ये वेश्यावृत्ति का धंधा बंद करवा दिया, इसकी वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, हमारा वेश्यावृत्ति इसलिए तो नहीं तड़प रहे आप? नहीं नहीं, हम नहीं तड़प रहे, कोई हमारा वेश्यावृत्ति का नहीं है, हमारा वेश्यावृत्ति कोई लेना देना नहीं है, हमारा ना ही चिट्टे का लेना देना है, ना वेश्यावृत्ति का लेना देना, हमारा कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जजे कॉलोनी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं इकट्ठी हो चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की भी टीम आ चुकी है, किस तरीके से यहाँ पर। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मैं नहीं बोलूंगी, यही बोल 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 तू बोल। क्या क्या नाम है? पग्गू ने इन्होंने मेरे घर में हमला कराया, मेरा नाम है सोनू। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने आके मेरे घर में तोड़ा फोड़ी करी है, ये घर का सारा सामान तोड़ दिया, आके कह रहे हम छोटू को मारेंगे, हम तुम्हारा कत्ल करेंगे। पहले रात को पकड़े, तलाशी ले जा रही है, चोरी करी जा रही है, हमला करी जा रही है, मेरे जुआई को रोक लिया, कल मेरा जुआई ना चिट्टा पीता, कोई नशा नहीं करता, बताओ आगे मेरा घरवाला मार दिया इन्होंने, जब तक अभी तक प्रशासन ने कोई कानून कार्रवाई नहीं करी, ना कोई इनको पकड़ा गया, ना लेना ना देना, बताओ। हाँ, आज कितने महीने, दूसरा महीना लग चुका है, बताओ।
तो आप इसकी सूचना पुलिस को दे दी है क्या आपने? हां देर के मैंने पुलिस को ऐसे बोला भी कल मेरा जॉई पकड़ लिया उन्होंने। मेरा जॉई ना नशा करता ना बीड़ी पीता ना तम्बाकू खाता ना कोई जर्दा खाता, ये मेरा जॉई को भी कल मार रहे थे। फिर आपको परेशान क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं गलती तो आपकी होगी। हमारी कोई गलती नहीं है, ना मेरे घर में कोई चिट्टा पीने वाला है ना कोई चिट्टा बेचने वाला है। ठीक है, मेरे लड़के दोनों घर पे नहीं है, एक मेरा लड़का गुजर गया, दूसरे दो लड़के मेरे घर पे नहीं है, मेरे बाहर बेच रखे, इनकी लड़ाई से डरते, मेरे लड़के नहीं है मेरे घर पे। ये कहते हैं छोटू को जान से मारने मारना चाहे कुछ हो जाए, पहले मैंने बाल्मीकियों को मार दिया, कुछ नहीं हो सकता ये। अरे अब मेरे घर से सामान चोरी हो गया, पैसे चोरी करके लेके, ये कोई जागती है कह रहे 5,000 डेली हफ्ता दे, क्यों दे मैं? चिट्टा पकड़ रहे हैं, कितनी मिठाई पकड़ी है दिखाओ आप, क्या मैं बेचता हूँ? मैं पहले मैं खुद ने बंद रक्षा कराया, ये बंद कराया काम, मेरी मौत का जिम्मेदार सारी सिकलीगर बिरादरी होगी, ये बात मैं कह रहा हूँ। साथियों आप देख सकते हैं क्या किस तरीके से यहाँ पर पूरे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इनका आरोप है कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? खतरा है मरने का। अब तो पुलिस मेरे को बिठाने आई है। साथियों आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, एक पक्ष आरोप लगाता है वेश्यावृत्ति और चिट्टे के लिए, लेकिन दूसरा पक्ष किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, इनका कहना है कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, इनकी निजी राय है, इस मामले में हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये अपने विचार के लिए स्वतंत्र है, ये अपने विचार रख रहे हैं सभी। दूसरा पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं पूरी जे कॉलोनी इकट्ठा हो चुकी है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, क्यों हंगामा किया जा रहा है? दिन प्रतिदिन जे कॉलोनी के हालात है वो सामान्य नहीं है साथियों, लगातार दिन प्रतिदिन हंगामे पे हंगामा उतर लगातार नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं जे कॉलोनी के हालात है वो असामान्य हो चुके हैं साथियों। आपको मैं सीधी तस्वीर सिरसा के जे कॉलोनी से दिखा रहा हूँ, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार सर जी, शुभ नाम अपना बिट्टू जी है। हाँ जी, अपने अभियान के आदमी सारे बैठे हुए थे रात को, इन्होंने आके रात बहस करी, हमारे लड़कों ने इनके लड़के को रोका, बाहर का आदमी था गांव का, उससे पूछताछ चल रही थी, भाई साहब आपका पिंड कौन सा है, आप यहां पर 100 चक्कर लगाते हो, आपका कोई इसमें कनेक्शन है क्या रहने का, आपका घर है ना वहां पर जाओ, यहां पर ना आए करो, बस यही पूछताछ हुई थी। उसके बाद इन्होंने कई 10-12 जनों ने हमारे पास हमला कर दिया, रात को बीयर रात मारी थी इन्होंने, मेरे पास कॉल भी आई थी, रात 3-4 आदमी होगी, फिर भी मैं आप जाकर टाल गया, मैं चल छोड़ो इनको जान दो। कितने लोग आए थे आपके ऊपर हमला कर? रात 10-12 थे, और रात 4-5 जने हमारे अभियान के आदमी भी घूम रहे थे गलियों के अंदर, उन्होंने इन्होंने हमला किया। किस चीज से हमला किया? किसी ने बाल पकड़े, किसी ने बियर मारी है, किसी ने डंडे मारे हैं, हमारे अभियान वाले आदमी और ड्यूटी पर आदमी थे, उन्होंने हद से ज्यादा मारे हैं इन्होंने। बाद में मेरे पे कॉल आई कि बिट्टू जी हमारे पे हमला कर दिया है, मैंने कहा कोई गली में एक बार चौकी जा रहा हूँ, चौकी रिपोर्ट लिखाता हूँ किस नाम से किसने हमला कर है, उसमें हमने कई हो गए अन्यों के नाम लिखाए हैं झूठा केस, फिर रात ये हमारे झूठी कंप्लेंट भी करके आए थे, हमारे पे हमला करके हमारे पे ही करके, और हमको ये अब आदमी चाहिए, इनको गिरफ्तार करो यहाँ से अभी उठाओ, नहीं तो हमारी जनता पूरी उठेगी। इनका आरोप है इनके घर में फ्रीज कूलर कुछ नहीं, इनका सीसीटीवी कैमरा, उनकी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उसमें हमारी जांच करा लो, जी घर में बड़े तो हमारे को गलती हमारी निकालो, और उन्होंने गलती करी है तो उनको अभी चक्को, तो उन्होंने एक सामान बिखरा पड़ा है तो वो आप जान के आप पूछ के उन्होंने आप जान के करे हैं, हमारे हमने कोई सामान नहीं छेड़ते, हमारे अभियान वाले आज तक किसी को मारे ही नहीं है, पूछताछ ही करते हैं हमारे, उसके बाद ये गलत इंजाम लगाते हैं, बाहर से कोई हमारे पे अभी तक मुलामा नहीं आया, इन्होंने हमारे पे गलत आरोप कई लगाए गए, अब हमारी जनता ये चाहती है इनको गिरफ्तार करो, जिससे हमारे सियाणों पर इन्होंने पगड़ियों में हाथों में कई जगह इन्होंने चोटें भी मारी हैं, हम सोचते हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाए तो हमारी जनता इनको पकड़ेगी। इन्होंने हमारी पगड़ी से उतार दी, हम क्या चुप रहेंगे, अब नहीं लुकने देंगे इनको, मेरा खुद का बियर मारी इसने छोटू ने, हाथ पर डंडा लगे, ये देख मेरे बियर मारी यहाँ पे, ये तो बियर सिर पे नहीं लगी तो मेरा फूट जाता सिर। हाँ जी क्या नाम है? मंत्री जी, 3 महीने से हमें पुलिस के पीछे लग रहे हैं, अभी गिरफ्तार करो, आज तक एक बंदा नहीं गिरफ्तार करे, हजारों दरखास्तें दी हैं, ये चाह रहे हम 40,000 कम से, फिर भी हमारी सुनाई हो रही, एक बंदे को तो कम से कम गिरफ्तार करना चाहिए, और हमारों का अगर ईमानदार बंदे को ना 5 मिनट में ही उठा ले जाते, अब इनका कुछ नहीं कर रही, मतलब प्रशासन गलत आदमियों साथ दे रही है, प्रशासन में इतनी पावर है इनको अभी चुक सकती है 10 मिनट के अंदर, पर क्यों नहीं काम करती अपना ये। हाँ जी भाई साहब, और आप क्या कहना चाहोगे? हमने चारों तरफ इनके रास्ते बंद कर दिए, अब
ये ना गिरफ्तार करेंगे ना इनको हम पता नहीं कहाँ कहाँ से चक्के ले आ गए आदमी देंगे, एसपी साहब को सीधा डायरेक्ट देंगे आदमी। हम सोच रहे आदमी अपने चौकी आ रहे इनको गिरफ्तार कर ले, नहीं तो हम इनको जहाँ से बैठे हैं वहाँ से उठाकर हम एसपी साहब पे पेश करेंगे इनको। एसपी साहब से भी हमने दरखास्त करी थी, एसपी साहब ने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की, और उसके बाद हम अपनी सुनवाई आप करेंगे, खुद जनता करेगी, इनके राज गुंडा राज खत्म करेगी। हमने एसपी साहब से कह के महिला लगाई इंचार्ज, हमको हमारे जब बंदा तो क्या आप तो कुछ करता, महिला तो कर सकती है इनका, उससे भी नहीं कुछ हो रहा, आपको कहते मेरे पास फोर्स नहीं है। हमको इनसे डर रहे जो हमारे बंदे के कोई हमारी लेडीज हो किसी को हमला कर दे, किसी को मार पीटे कर दे, हमको इनसे खतरा है, हमको पुलिस कर्मचारी दे जाए अभियान पर खड़े करे जाए, हमारे 5-6 आदमी कर्मचारी दे दो यहाँ पर देना पड़ेगा उनको। नहीं साथियों आप दे सकते हैं जे कॉलोनी के हालात किस तरीके से बिगड़ चुके हैं साथियों, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, लगातार काफी दिनों से एक अभियान चल रहा है वेश्यावर्ती और नशा छोड़ो अभियान चल रहा है, और ठीकरी पेरा लगातार चारों रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन दो पक्ष अब आमने सामने आने लग चुके हैं साथियों, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो चुके हैं। हमारी सिरसा के प्रशासन एसपी साहब से सख्त गुजारिश और विनती है कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाए और यहाँ पर कम से कम 4-5 कर्मचारी नियुक्त करवाए जाए, परमानेंट नियुक्त करवाए जाए, जिससे यहाँ का माहौल शांत रह सके। सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, धन्यवाद शुक्रिया। बाहर खोल लिया तो देखो 4 आदमी खड़े हैं गुंडा, इन्होंने टेपू में लेके आने हैं रात। हमारे लड़के उल्ट बोलते हैं यहाँ पे, जो आते हैं यहाँ पे गलत बंदे आते हैं, गलत घरों में ये 4 घर गलत हैं, इनके लिए हमारे लड़के उल्ट सुल्ट बोलते हैं। हम कुछ बोल नहीं रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे खराब हो गए, चढ़ाई पर जाते हैं, हम कुमार के खा रहे हैं, हमें संगीत मात्रा धंधा कुमार के खा रहे हैं, ये भी कोठे में लुका के फेंक दिए, हम भी कोठे में पोछा मार जाते हैं, ये भी कोठे में जा सकती है। हाँ बच्चे हमारे घर से बाहर नहीं निकलते, इनके डर का मारे हमारा, इतना साल गए थे देखे गुंडे कट, और हमारा बच्चा बिगड़ लग रहा है, पैर को नहीं आए थे, आज हम मिंता कर लग रहे, तारा पैर पकड़ लग रहे, सही बात है मैं कहा, अरे आज 4 घर मारा है, 600 घर आदमी बिगाड़ लग रहे, 600 आदमी को।